गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे स्टार वीटेक एग्जाम चैनल में आपका बहुत ही वेलकम है। चलिए, अभी तक हमने सीखा था यूनिट डिजिट का टाइप नंबर थ्री में हमने क्या देखा था, 97 की पावर 39 है तो हमें इकाई अंक बताना था। तो हम क्या कर सकते थे, 0156 देखते थे और उसमें क्या कर देते थे, उसके अगर यह है स्थान पे तो हम डायरेक्ट लिखते थे कि वह हमारा यूनिट डिजिट यह होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर अंक परिवर्तन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके घात में 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा यूनिट इकाई अंक के पावर शेषफल कर देंगे और जो होगा वो हम बता देंगे कि हमारा इकाई अंक यह है। इसी प्रकार से अगर शेष 4 से भाग करने पर उसकी घात पूरी पूरी कट जाती है, यानी शेषफल 0 आता है, तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक पहले लिखते हैं, उसके घात पे 4 लगाते हैं, जिससे भाग देते हैं उसी से घात कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने देखा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं टाइप 4 टाइप 5। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए, यहाँ तक सॉल्व किए थे हम क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 4 हम आगे देख चुके थे, टाइप 3 आगे देखेंगे, टाइप 4। टाइप 4 में हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किया, अब देखते हैं टाइप 4। यूनिट डिजिट का मोस्ट वेलकम पार्ट है और ये इसके क्वेश्चंस एग्जाम में हम गलत करके आते हैं, लेकिन आज से ऐसा नहीं करेंगे। इससे 3 से 4 प्रश्न आपको, 3 से 4 अंक मार्क्स आपको एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। और ये जो भी बैच चलाया जा रहा है, अभी होने वाला एग्जाम है क्या, UPSI, SSC, बैंक, रेलवे, ये सभी के नंबर सिस्टम पार्ट में इसके 2 से 3 प्रश्न अनिवार्य होते हैं और जिसको हम क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। लेकिन आज से ऐसा नहीं करेंगे, हमारे ट्रिक्स पर ही इस क्वेश्चन को आप मात्र 4 से 5 सेकंड में उत्तर देकर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। तो हमने कहाँ तक देखा था, टाइप 3। टाइप 3 के बाद हम देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में अगर यह दिया है तो हम लोग क्या करते थे, टाइप 1 सेकेंड में हमने पढ़ा था कि 0, 1 और 5, 6 चार अंकों का डिजिट दिया था। अगर यह अंक होंगे तो हम डायरेक्ट उसका यूनिट डिजिट बता देंगे कि हमारा यही होगा। अगर इसके अलावा अगर नहीं है तो मैंने बताया था कि उसकी घात में 4 से भाग करके जो भी शेषफल आता है उसकी पावर चढ़ा करके हम यूनिट बता देंगे। चलिए देखते हैं, देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, ठीक। तो इस इकाई अंक क्या लिखेंगे, 4 इंटू इसका इकाई अंक क्या है, 5 है 5 इंटू इसका इकाई अंक क्या है, 1 है 1 है। लेकिन यह समस्या क्रिएट कर दिया क्योंकि यहाँ पर 0156 के अलावा 4 है और इसकी घात 263 है। मान रख के निकालेंगे 263 में बाई 4 करेंगे तो काफ़ी समय जाएगा हमारा। तो हम इसका एक ट्रिक बनाया है, क्या है ट्रिक्स वो देखते हैं, ट्रिक हमारा क्या है देखते हैं। तो ट्रिक मैंने यह बोला था कि अगर किसी सम संख्या में विषम संख्या का मल्टीपल किया जाता है तो वह हमेशा क्या हो जाता है, 0 यानी 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या सीधी सीधी भाषा में आप लोग कह सकते हैं, अगर किसी सम संख्या में विषम संख्या का गुणा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0, यानी उसका जो मान आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, 4 इंटू 5 ये सम नंबर है, ये विषम नंबर है, इसका गुणा करेंगे 4 × 6 = 20 यूनिट डिजिट क्या है, 0 हो गया। इसी तरह से 6 × 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 यूनिट डिजिट क्या है, 0 है।
इस तरह से हम बता सकते हैं, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की बात नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे नोट में इसको लिख लेंगे इस ट्रिक को। यदि किसी सम संख्या में, यदि किसी सम संख्या का गुणा, क्या का गुणा विषम संख्या से हो या आ जाए, या इसी लाइन में किसी सम विषम से गुणा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाए, विषम संख्या से हो जाए या आ जाए, तो उसका यूनिट डिजिट शून्य हो जाता है, उसका इकाई अंक, इकाई अंक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सिंपल सा ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले सेकंड टाइप से हम देखेंगे, अगर 0516 है तो हम मान रखेंगे जैसे इसमें रखे हैं, मैंने आपको बताया था। टाइप थर्ड में देखिए बच्चे, अगर यह वीडियो आप लोग कोई भी देख रहा है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिए। टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री के बारे में बताया गया, उसी के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो हम उसका घात करके भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे उतना घात करके तब भी वही मान आएगा, लेकिन लेंथी समय में जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ये ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही सेशन हमारा इंटरेस्टेड होने वाला है, आप सिर्फ क्या है लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अगर आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, या वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। यदि किसी सम संख्या का गुणा विषम संख्या से हो या इसी संख्या में आ जाए, तो उसका अगर गुणे में है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे यार कितना है, 4, और 4 5 20 20 इंटू 1 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 20 बराबर हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट शून्य हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा मैंने ट्रिक बना दिया आप लोगों को, यह आसान होगा। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप फटाक से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मैंने ये क्वेश्चन दिया था कितना लेंगे, तो हम करेंगे नहीं कि हज़ार बार गुणा करेंगे कितना समय जाएगा, हमें तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है 15 से 30 सेकंड के बीच में आंसर देना होता है। तो हम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, 30-40 सेकंड तो अभी लगेंगे, लेकिन अगर आप ये फार्मूला या ट्रिक्स सीख जाएंगे तो आपको मात्र एग्जाम में कितने समय लगेगा, 3 से 4 सेकंड बनाने में, यानी इसका उत्तर बताने में। आप क्वेश्चन को पढ़ करके डायरेक्ट उसके ऑप्शन के आधार पर ही हम उत्तर दे सकते हैं, मात्र कितने समय में, 3 से 4 सेकंड में। तो चलिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने पढ़ा दिया, टाइप 4 का, टाइप सबसे पहले हम देखेंगे इन संख्याओं में अगर 0156 है, फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चा समझ लीजिए, 0156 होगा तो उसमें नो चेंज, मैंने पहले भी बोला था कि उसमें क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे 5 लिखा है, 1 लिखा है। अब 4 के पावर अगर मान लीजिए अगर 0156 यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैंने बताया था इकाई अंक को लिखेंगे, उसके बाद जो उससे भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उसका मान निकाल करके हम बता देंगे कि हमारा यूनिट डिजिट यह होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट देखेंगे। मैंने एक ट्रिक्स बनाया है उसके माध्यम से, इतना लंबा लेंथी तो भाग गुणा कर नहीं सकते एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, यदि किसी सम संख्या का गुणा विषम संख्या से हो, देखिए यह सम संख्या या विषम संख्या, यह सम संख्या या विषम संख्या, ठीक है। लेकिन अगर नियर अबाउट अल्टरनेट नंबर है तो उसका हमेशा मल्टीपल क्या आता है, 0 ही आता है। अल्टरनेट नंबर मतलब 5, 6, 4, 5 यानी ऑड या इवेन, यह नहीं कि ऑड ऑड होगा तो 0 आएगा, इवेन इवेन होगा तो 0 आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम पहले क्या करेंगे, ऑड इवेन करेंगे, अगर उसका मल्टीपल 0 आता है, जिससे 4 5 20 20 into 1 20 यानी हमारा यूनिट डिजिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0।
तो हम बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो चलिए इतना समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट इसका आंसर बताइए, आप लोगों को समय देते हैं मात्र दो मिनट का। और यह आंसर आप लोग बता सकते हैं मात्र कितने समय में, 3 से 4 सेकंड में इसका उत्तर बता सकते हैं, या बहुत लगेगा 15 सेकंड लगेगा। तो चलिए फटाक से बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा, चलिए फटाफट कीजिए, अगर जो सीखा होगा तो जरूर कर लेगा हमारे माध्यम से। और मैं बहुत लेंदी ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही शार्ट तरीके में पढ़ा रहा हूँ। अगर ये हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से रिपीट वीडियो को चला कर देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, और जो भी मैं मैथ का रीजनिंग का क्लास कराऊँगा वह सब ट्रिक्स के माध्यम से ही होगा। तो चलिए फटाफट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और आने वाले एग्जाम में इसके 30 पार्ट से यूनिट डिजिट इकाई अंक से हम गलत करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमारा पढ़ाया हुआ सेशन 80 से 90% तक कंप्लीट ट्रिक्स पर ही आधारित है, और जो ट्रिक्स या फार्मूले याद रख, फार्मूले की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम ट्रिक्स के माध्यम से उसका आंसर बता देंगे मात्र कितने सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में। और हर लेवल, हर कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें UPSI, SSC, बैंक, रेलवे सभी में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो चलिए, ताकि गरीब बच्चों को मदद मिल सके, यह चैनल इसीलिए स्टार्ट हुआ है, आप लोग सिर्फ अपना प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए चैनल को। चलिए देखते हैं, मैंने बोला था टाइप सेकंड में एक ट्रिक्स पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि 0, 1, 5, 6 इसमें से पहले मिलान कर लीजिएगा, अगर कोई होगा तो हम नो चेंज करेंगे, डायरेक्ट उत्तर बता देंगे यही है। अगर यह वीडियो आप लोगों को किसी बच्चे को अगर नया ज्वाइन होंगे सेशन को देख रहे होंगे तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं मिलाते हैं इसमें क्या है। हमारा इकाई अंक 4 है, 0, 1, 5, 6 में है कहीं 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। बेस लिख लिया इकाई अंक का, अब देखते हैं 372 टाइप थर्ड में मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, उसके घात में हमेशा किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करके देखते हैं शेषफल क्या आता है, कि शेषफल नहीं आता है। 372 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 36 एनसी 1 पूरा कट गया, ये क्या हो पूरा विभाजित हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर शेष पर 0 आता है तो हम जिससे भाग करते हैं उसी की घात लगा देते हैं इकाई अंक, ठीक है। आगे प्लस दिया है, प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 4 दिया है, 0, 1, 5, 6 है नहीं है। दूसरा ट्रिक्स हमने क्या बताया था, उसके घात में 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करके देखते हैं, ठीक है। 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 12, और इसका शेषफल कितना आ गया, 1। शेषफल कितना आ गया, 1। तो जो शेषफल है उसकी घात में, अगर जो शेषफल बचता है, अगर शून्य के अलावा कुछ भी बचता है, तो हम उसकी घात में इसको डायरेक्ट लिखेंगे इकाई अंक को 4, और उसके शेषफल में क्या घात में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही शेषफल है, ठीक है, उसके घात लगा देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो हम उसके घात जिससे भाग करते हैं उसी का लिख देते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं, 4 का गुणा 4 बार करेंगे, चलिए फटाक से कर सकते हैं आप लोग, एक छोटा सा ऑप्शन है आप तो कर ही सकते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाएगा, 256 प्लस 260, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2, 0, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। देखिए कितना आसान है, जब तक हम 124 का 372 बार गुणा करेंगे, 124 का 373 बार गुणा करके जोड़ेंगे, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रिक्स के माध्यम से है। अब देखिए सभी ट्रिक्स का, सभी प्रकार के टाइप का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ तीन टाइप का क्वेश्चन है। एक पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट सेकंड में एक ट्रिक मैंने बताया था। दूसरा टाइप है जिसमें दो ट्रिक्स हैं, और एक चौथा ट्रिक सभी चल रहा है यदि किसी सम संख्या का गुणा विषम संख्या से हो तो उसका यूनिट डिजिट शून्य के बराबर हो जाता है। आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं या क्वेश्चन को देख कर ही बता सकते हैं। तो चलिए फटाक से स्क्रीन शॉट कीजिए और लिखिए। चलिए आगे देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं।